नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को जो है हायर पेंशन को लेकर एक फैसला सुनाया था। और मैंने इस वीडियो में पूरा जो है फैसला कवर किया था कि क्या क्या फैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने जो है कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि पहले क्या रूल जो है सरकार ने लागू किया था और अब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। और इस वीडियो पर मेरे को काफ़ी सारे ऐसे कॉमेंट देखने को मिले, कह रहे थे कि प्रदीप भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या फैसला दिया है। अभी करंट में ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको मिनिमम जो है 1000 रुपये पेंशन मिलती है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। तो इसी को लेकर कह रहे थे कि 1000 रुपये पेंशन बढ़ाने को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है या फिर नहीं दिया, उसके बारे में बताइए। हमें जो है 5000 पेंशन 5000 रुपये या फिर 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता जो है हमें कब से मिलना शुरू होगा, क्या कोई ऐसा आदेश आया है क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको जो है कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। उससे पहले अगर आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं, पेंशनर्स हैं, ईपीएस 95 चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन जो है आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। और हो सके तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और लगे हाथ अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिए, मेरी आईडी है आई प्रदीप शर्मा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 4 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान किया है या फिर नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं दिया है, कोई भी ऐसा डिसीजन जजमेंट नहीं दिया है, कोई भी ऐसा आदेश जो है ईपीएफओ को या फिर सरकार को नहीं दिया है कि जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपये उसको बढ़ाई जाए, उसको 3000 किया जाए या फिर 5000 किया जाए या फिर 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता किया जाए, इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया, कोई भी फैसला नहीं दिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का जो है कोई केस लिस्टेड ही नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस लिस्टेड थे वो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत हायर पेंशन को लेकर केस लिस्टेड थे जो कि मैंने इस वीडियो में बातें कवर करी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई भी केस लिस्टेड नहीं था कि भाई ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन बढ़ाया जाए। ये जो है फैसला, पेंशन बढ़ोतरी का जो फैसला है ओनली सरकार ले सकती है। श्रम एंड रोजगार मंत्रालय जो है वित्त मंत्रालय को जो है प्रस्ताव भेज सकता है, उसके बाद वित्त मंत्रालय अगर मंजूरी देगा, अगर सहमति देता है तो उसके बाद श्रम एंड रोजगार मंत्रालय जो है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो है मिनिमम पेंशन को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। इस तरह का कोई केस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। तो बस ये एक जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। काफी सारे कॉमेंट आ रहे थे इस वीडियो में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान किया है क्या, कोई फैसला दिया है क्या सरकार को, ईपीएफओ को मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो इस तरह का कोई भी केस नहीं था, इस तरह का कोई भी फैसला नहीं दिया क्योंकि कोई केस ही नहीं था, इस तरह का कोई केस बनता ही नहीं है। तो ये जो पूरा पूरा डिसीजन है वो सरकार के ऊपर है कि वो बढ़ाए या फिर ना बढ़ाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जो है श्रम एंड रोजगार मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था कि हम पेंशन बढ़ाना चाहते हैं, मिनिमम पेंशन ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन मिलती है 1000 रुपये से ज़्यादा करना चाहते हैं, बट ये नहीं बताया कितना करना चाहते हैं। बट वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कब तक जो सरकार निर्णय लेती है, कब तक जो है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार जो है फैसला लेती है। हालांकि लगातार सरकार जो आश्वासन देती आई है, दे भी रही है कि हम जो इस पर काम कर रहे हैं जल्द जो है पेंशन बढ़ाएंगे, मिनिमम पेंशन 1000 रुपये को ज़्यादा करेंगे। बाकी तो इस समय बताएगा कि कब जो है सरकार पेंशन बढ़ाती है। बाकी आपके हिसाब से जो है सरकार कितना पेंशन कर सकती है, सरकार क्या सच में सीरियस है ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना था, आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।